बबीना में आबकारी विभाग और बबीना मंडल ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। दरअसल इन दोनों जिलाधिकारी झांसी व उप आबकारी आयुक्त झांसी के निर्देशन में पुलिस व आबकारी के लोगों के द्वारा कच्ची शराब के अड्डों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। झांसी के बबीना में आबकारी निरीक्षक नीलम सिंह, आबकारी निरीक्षक रामाधार पाल व पुलिस थाना बबीना की संयुक्त टीम द्वारा बबीना के नया खेड़ा ग्राम में चल रहे अवैध शराब के अड्डे पर दबिश दी गई। तब इसके दौरान पुलिस को देखकर मौके से अन्य आरोपी भाग निकले, जिसमें से एक आरोपी महिला को 100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भट्टी के पास से करीब 350 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इसके अलावा 3000 किलोग्राम लहन को पुलिस कर्मियों के सहयोग से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया गया। शराब माफियाओं पर थाना बबीना में आबकारी अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत 3 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस मौके पर हेड कांस्टेबल ध्रुवराज, हेड कांस्टेबल सूर्य प्रकाश शुक्ला, हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार मोहम्मद दानिश, कांस्टेबल सूरत सिंह, सुरेंद्र कुमार, सुरेश यादव, सुरेश कुमार, कांस्टेबल अबरार भी कार्रवाई में शामिल रहे। बबीना से विजय वर्मा के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।